करेरा में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ डिप्टी कमांडेंट राजेंद्र सिंह राजपूत का स्थानांतरण जम्मू हो जाने से वो कार्यमुक्त हो गए हैं। उनको आज स्थानीय विश्राम गृह पर प्रेस क्लब करेरा के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट राजपूत ने कहा कि अपनी सर्विस के दौरान कई स्थानों पर मेरी तैनाती रही है, लेकिन मैं करेरा को हमेशा याद रखूंगा। यहां से मेरा लगाव बहुत अधिक है। कार्यक्रम के वरिष्ठ साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव ने कविता पाठ कर उनको बधाई दी, तो वहीं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के साथ समस्त पत्रकार गणों के द्वारा माल्यार्पण कर शॉल श्रीफल भेंट कर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार युगल शर्मा के द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन जितेंद्र बैस के द्वारा किया गया। आदरणीय आजकल ये स्थितियां चल रही है समाज में के माता पिता को भार समझ रहे हैं बच्चे। माँ अपनी रोटी अलग बना रही है, बहू अपनी अलग बना रही है, घर में टिफिन आ रहे हैं बहू के रहते हुए, तमाम सारी स्थितियां हैं। बाद में फिर वो प्रदर्शन करते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास की तेरी तेर में ही कर रहे हैं, 10-10 हजार आदमी खाना दे रहे हैं, क्या मतलब निकलता है। पापा जब तुम थे तो हमें भार लगते थे, आज जबकि तुम नहीं हो तो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता हूं। पापा जब तुम थे तो लगता था कब जाओगे दुनिया छोड़कर, आज जबकि तुम नहीं हो तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पापा जब तुम थे तो नहीं दे पाया तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी, आज जबकि तुम नहीं हो तो नदी के बीचों बीच बैठकर सात पक्ष में रीच रीच कर रहा हूं जरा। पापा जब तुम थे तो नहीं दे पाया तुम्हें एक कटोरी गुनगुनाता दलिया जो उतर सके हलक के नीचे आसानी से, आज जबकि तुम नहीं हो तो श्राद्ध पक्ष में बनवा रहा हूं खीर पूरी मालपुआ। पापा जब तुम थे तो नहीं कर पाया तुम्हारे रुग्ण शरीर की सेवा, तुम्हारे बीमार शरीर की सेवा, आज जबकि तुम नहीं हो तो बैठक की सामने वाली दीवार पर टांगता हूं बड़ी सी तस्वीर और रोज चढ़ाता हूं ताजे फूलों का हार। पापा जब तुम थे तो पूछ लिया करते थे मेरे सुख का हाल, आज इस भरी दुनिया में कौन समझ सकता है मेरा दुख मेरा दर्द, इस जन्म में तो नहीं बन सका सही मायने में तुम्हारा पुत्र, अगला जन्म मिला तो बनूंगा केवल तुम्हारा केवल तुम्हारा केवल। बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद जुलाई समारोह का आयोजन यह होगा, इसमें प्यार और आशीर्वाद ही है जो बार बार मेरे को जैसे कभी नहीं होता हूँ बोला क्या दूसरी बार ये जुलाई समारोह होगा, तो ये इस चीज का वजीदा है कि आप लोगों का इसमें प्यार और आशीर्वाद है जो बार बार मेरे को यहाँ खींच के लेके आए, और मेरे को लगता है कि आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार और आशीर्वाद है ये प्रक्रिया मेरे को ऐसा लग रहा है खत्म हुआ है। आप दो तीन साल बाद ये आपके जो शब्द है वो सही हो जाए, हो सकता है वो बाहर आ जाए, नहीं भी आएंगे तो एक चीज तो है आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया जा पाए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोगों के साथ में कभी मेरा रिश्ता एक जैसा कि वक्ता ने बताया कि अधिकारी वाला था ही नहीं और एक्चुअली तो था मैं कभी आपके सामने कभी डिप्टी कमांडेंट नहीं था और ना ही मेरे सामने आपके पत्रकार लोग एक पारिवारिक रिश्ता था किसी से छोटे भाई का किसी से बड़े भाई का जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे मैं बेटा होता ही ऐसे वास्तव नहीं होता ऐसे आशीर्वाद होता आप लोगों से इसलिए देता, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। फोर्स में जब हम लोग फोर्स में भर्ती होते हैं एक दो नौकरी करते हैं तो हमारे दो परिवार होते हैं, एक परिवार तो वो होता है जहाँ पे आप जन्म लेते हैं जैसे ग्वालियर में जन्म लिया वहाँ काम किया पढ़ाई किया, तो एक परिवार को एक शायद वो होता है एक फोर्स होता है जो कि हमारा दूसरा परिवार होता है जो कि आईडी लिखती है। अब इन दो मेरे लिए एक एडवांटेज और है, मेरे लिए तीसरा परिवार ही है करेगा क्योंकि आप लोगों के पास दो परिवार है मेरे पास तीन परिवार, तो निश्चित रूप से मेरी और कई कम से कम अभी 15-16 साल की सर्विस में 7-8 जगह पोस्टिंग नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को अगर लगाव किसी जगह से हुआ है तो वो करेगा और उसकी वजह आप लोग क्योंकि आपने हमेशा इतना इतना प्यार दिया इतना श्रेय दिया इतना आशीर्वाद दिया जिसको और जब भी आऊंगा तो अब तो ये है कि आप लोग मेरे को विदाई समारोह नहीं भी होगा तो मैं जबरदस्ती करवाते रहूंगा और आऊंगा तो स्वागत भी करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों से एक अलग रिश्ता है
ये महसूस किया जा सकता है, ये मैं महसूस करता हूँ या आप लोग भी महसूस करते हैं, क्योंकि इसको बताने की शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास वो शब्द है क्या आप सुन लो कुछ में क्या सुनो, तो वो अधिकारी का और पत्रकार का हमारा रिलेशन नहीं है। हमारा आपसे एक जो आत्मीय रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, किसी से छोटे भाई का बड़े भाई का ये सब रिश्ता है, और यही है मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि छोटी सौ बढ़ाई जा रहा हूँ सांबा, जो अभी जैसे बातचीत में मैंने बताया पठानकोट से 40 किलोमीटर आ गए, जम्मू से शायद 30 किलोमीटर आ गए, तो जब कभी भी किसी का आने का क्या